नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। हमीरपुर जनपद के राठ तहसील में सैकड़ों महिलाएं पहुंची एसडीएम ऑफिस। परसों लियाना मोहल्ले की सैकड़ों महिलाओं ने लगाई न्याय की गुहार। हमीरपुर जनपद के राठ तहसील परसों लियाना मोहल्ले की सैकड़ों औरतें पहुंची एसडीएम ऑफिस और उन्होंने बताया है कि टिल्लू गुप्ता व अवधेश गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता पैसों का लेन देन था। टिल्लू गुप्ता ने राजा से 20,000 रुपए लिए थे, जो एक साल हो गयी थी। पैसे लेने राजा अकेले उनके घर गया था। बस इसी बात को लेकर टिल्लू गुप्ता व अवधेश गुप्ता ने मिलकर राजा से गाली गलौज करना शुरू कर दिया और अपने हाथों से अपने घर का सामान अपने माँ बाप के साथ मिलकर बाहर फेंक दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि उनके घर के सामने बारसी टेंट हाउस में लगा था, जिसमें रिकॉर्ड हो गया रफत राजा व गुलाब के नाम और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया है। धारा 384, 394, 423, 504, 506, 147 इन धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया गया है। इसी वजह से मोहल्ले की काफी औरतें और काफी आदमी एसडीएम ऑफिस पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया है कि केवल लड़ाई हुई है और उनके खिलाफ झूठी कई धाराएं लगाई गई हैं, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। केवल वहां पर लड़ाई हुई है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट तक जाएंगे। जब इस विषय में एसडीएम राठ से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि मामले की जांच करके जो सही होगा वही कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में एसडीएम को विज्ञप्ति दी गई है और कहा है कि सर इसकी जांच करवाई जाए, साथ में सीसीटीवी की सीडी भी दी गई है। समाचार जेट के लिए हमीरपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दानिश। आप एसडीएम कार्यालय आई हैं, क्यों आई हैं, क्या घटना हुई? मेरे भाइयों से टिल्लू से लड़ाई झगड़ा हुआ है। टिल्लू मेरे घर पहले पैसे ले गया था, फिर उसने वादा किया था कि हम 1-2 महीने के बाद दे देंगे। तब उसने बुलाया कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तो गए तो उसके दुल्हन और उसने गाली दी है और कटुआ मुसलमान बोला है, तो उन्होंने कहा कि समझा लो, तो नहीं वो बोला कि नहीं हम लोग ऐसा कहेंगे, कटुआ हो तुम लोग मुसल्ले हो। तो उन्होंने कहा कि झगड़ा हो जाएगा, तो उसने पहले भाई को मारा, फिर हमारे भाइयों ने 2 चांटे मारे उसको। इतने में झगड़ा होने लगा दोनों का आपसी में, उन्होंने भी उनको मारा और इन्होंने भी उनको मारा, दोनों ने मारा है। फिर वो लोग घरे आ गए तो झूठी धारा लगवा दी है, धक्के दी और मार और लूट। किसने लगवा दी है? टिल्लू ने लगवाई है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम लोग, इंसाफ करिए। और हम लोग दरखास्त, उन्होंने झूठी दी है, उसकी जांच बिठा रही है, प्रूफ है हम लोग के पास। क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास सीडी होगी, कैद हुई है सीसी कैमरे में कि किसने सामान फेंका है। अगर लूट की है तो हम लोग के भाई का, उनकी माता ने और उनकी दुल्हन ने बाहर सामान फेंका है। इंसाफ चाहिए हम लोग को, इंसाफ मिले, जांच बिठा रहे और पुलिस तहकीकात करें कि किसने लूट करी है, किसने लूट नहीं करी है। और सीसी कैमरे में सब कैद हुआ है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? आबिदा। जी आप एसडीएम कार्यालय आई हैं, क्यों आई हैं, क्या घटना हो गई? जी हमारे भाई की लड़ाई हुई थी टिल्लू से। टिल्लू से पैसे का लेन देन था उनका, उसने टिल्लू ने राजा और रफत को बुलाया था, गुलाब को पैसे ले जाओ घर से। अच्छा। जब वो घर पैसे लेने गए तो उसकी माँ गाली गलौज करने लगी और टिल्लू करने लगा। उन्होंने मारपीट की है भाइयों को और भाइयों ने उनको, दोनों लोगों के बीच में मारपीट भी हुई है। किस तारीख हुई थी, कौन सी तारीख को मारपीट हुई थी? 20 तारीख को। फिर ये लोग गए हैं थाने, तीनों लोग को रिपोर्ट लिखवाई है और झूठा मुकदमा लिखवा दिया है कि लूट की है, कि ऐसा घर से लिया हुआ है अगर, और इसका मुकदमा लिखवाया है। मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए आई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं। नहीं तो उन्होंने लूट का मुकदमा लिखवाया है। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। अभी आप एसडीएम साहब के यहाँ गिफ्ति देने गई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। टिल्लू कौन से मोहल्ले का रहने वाला? गिलेटी। आप कहाँ की हो? परसौलियाने में रहता है। आप कहाँ रहती हैं? की महिला आई थी, उन्होंने कहा कि राजा और गुलाब और रफत के ऊपर लूट का झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, तो उस विषय में क्या कहते हैं आप सर? अभी कुछ लोग आए थे,
और सौलियाना मोहल्ला से कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी। उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है, कुछ लोगों ने एफिडेविट भी दिया है कि जो मुकदमा लिखाया गया गलत है जी। ये मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैं इसमें बात करूंगा सीओ साहब से और क्या असलियत है इसको देखेंगे। अगर ये गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया है इसमें जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और जो सच्चाई होगी उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।